Morning class 4th. Today we will continue your math subject and also continue your chapter number 5. Okay, and today we will start your new exercise 5.4 hum shuru karne ja rahe. In previous video we have already completed up to 5.3 exercise. Okay, तो आज हम न्यू एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं. सबसे पहले मैं बता दूं, जब 5.3 इन प्रीवियस वीडियो में हमने जब बनाया था व सिखाया था, उसमें हमने डिवाइड किया था और डिवीजन को कैसे चेक करना था वो भी हमने सिखाया था व सीखे थे. ओके, सेम चैप्टर 5.4 सेम टू सेम है. सिर्फ आपको यहाँ पे क्या आपको डिफरेंस रहेगा, जो आपका जो डिविज़र था 5.3 का, 5.3 चैप्टर की बात मैं कह रही हूँ, जो 5.3 का जो डिविज़र था ये सिंगल डिजिट का था. देखो सारे जो डिविज़र है ये सिंगल डिजिट का है. आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं 5.4, ये है डबल डिजिट का. ओके, ये देखो ये है डबल डिजिट का. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ जे आप लोगों को टेबल 2 से लेकर 20 तक अच्छा से आना चाहिए, या 20 से जो ऊपर होता है अबव 20 भी आपको आना चाहिए. ओके, तो टेबल आपको 20 तक तो लर्न करना ही है, उसके आगे तक जो भी आपको 21, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ, मुझे तो ये कहने का मतलब है 25 तक टेबल आपको अच्छा से लर्न होना चाहिए. और 25 से जो टेबल होता है वो आप मल्टीपल करके आप टेबल बना सकते हो. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, डिवाइड एंड चेक योर आंसर. लास्ट वीडियो में या लास्ट चैप्टर में हमने क्या सीखा था, कैसे डिवाइड करना है और उसको आंसर को कैसे चेक करना है, ये हमने सीखा था. तो आज हम फिर से वही करने जा रहे हैं. तो ये सारे जो है आप अपना नोटबुक में करोगे. ओके, तो शुरू करते हैं. 5787 डिवाइडेड बाई 19. ओके, तो मैं यहाँ पे नोटबुक में कर रही हूँ. 5787 नंबर ए, 5787 डिवाइडेड बाई 19. ओके, तो 19 से आपको ये डिवाइड करना है. 5787. ओके, तो ये है 757. तो 19 के टेबल पे 57 3 पे आता है. ओके, इसको माइनस करना है तो ये सारे के सारे ज़ीरो आ गया. अभी देखो यहाँ पे 8 आ गया, तो 8 तो इससे छोटा है ना, तो क्या होगा, ज़ीरो आएगा. तो फिर से यहाँ पे मैंने 7 नीचे लेके आया. तो 19 के टेबल पे 19 1 जा 19 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, ज़्यादा हो जाए तो 19 4 जा 76. आप इसको माइनस करोगे, 7 से 6 चला जाता है तो 1 बचता है, 8 से 7 चला जाता है तो 1 बचता है. तो ये आपका हो गया रिमाइंडर और ये आपका हो गया क्वेश्चन. ओके, अब आपको चेक करना है. तो चेक का मैंने क्या बोला था, आपका चेक आंसर कैसे करना है, आपको करना है डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीपल बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. ओके, ये आपका फॉर्मूला है. तो मैंने आपको यहाँ पहले डिविज़र क्या है 19. ओके, फिर आपका क्वेश्चन क्या आया 304. ओके, फिर आपका रिमाइंडर क्या है, आपका रिमाइंडर है 11. तो आपको इसके साथ इसको मल्टीपल करना है. तो मैं आपको राफली करके इधर दिखा रही हूँ, 304 के साथ मैं यहाँ पे 19 को मल्टीपल कर रही हूँ. ओके, 4 9 जा 36, 3 carry 9 0 जा 0, तो 3 हो गया, 3 9 जा 27, फिर 4 1 जा 4, 1 0 जा 0, 3 आपका 6 7 7 5. तो आपका ये आएगा मल्टीपल करने के बाद 5 7 7 6 प्लस 11. ओके, तो आप मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब इसको जोड़ो, 6 और 1 क्या होता है, 6 और 1 होता है 7,
सेवन और वन जोड़ोगे तो एट, फिर सेवन का सेवन आ गया, ये आ गया, तो आपका देखो क्या आया आंसर डिविडेंड में, यहाँ पे क्या आया 5787। आज जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या था, इसमें भी 5787 था, तो आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर सी है 72817, 72817 डिवाइडेड बाय 18। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, सबसे पहले 72817। ओके, तो आपको क्या करना है, 18 के टेबल पे 72 4 पे आता है। ओके, फिर यहाँ पे तो सारे सेम हैं, तो यहाँ पे आपको 8 को लेके आना है, नहीं जा रहा है, तो आपको 0 लगा के फिर 1 को लेके आना है, 81, तो कहाँ पे जाएगा, 58 जा 90, ज़्यादा हो रहा है, तो 18 5 जा के कितना होता है, 90 होता है, तो 18 4 जा 72, तो 18 4 जा। ओके, अभी 11 से 2 चला गया तो 9 बचता है, और 8 हो गया, तो अभी ये जो 7 है, 7 नीचे आके आएगा, अभी 97 है, तो 18 5 जा 90, और 18 6 जा 108। ओके, तो ज़्यादा हो रहा है, तो 590 माइनस करोगे तो 7 बचता है, तो आपका अभी चेक करना है। कैसे करोगे आप, 18 इंटू 4045 प्लस 7। ओके, तो इसको आप, मैंने राफली कर रही हूँ यहाँ पे, 4045 के साथ 18 को मल्टीपल करना है, 58 जा 40, 4 कैरी, 84 जा 32 और 4 36, 3 कैरी, 80 जा 3 हो गया, फिर ये 84 जा 32, फिर क्या है, 51 जा 5, 41 जा 4, 10 जा 0, 41 जा 4 जोड़ोगे तो 0, 5 और 6 11, 4 और 3 7, 7 और 1 कैरी है तो 8, 2 7। ओके, तो आपका क्या आया मल्टीपल के बाद, 72810 प्लस 7। ओके, आप इसको जोड़ो, 7 का 7, 7 और 1 8, फिर 8 2 7, देखो क्या आया आपका, 1 देखो जोड़ोगे, 7 और 0 7 बैठ गया, फिर 1 8 2 ये आपका देखो आंसर, देखो 72817 ये है, और डिविडेंड में देखो 72817 सेम है, तो आपका ये सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, ई में क्या है, 707 डिवाइडेड बाई 17। ओके, तो 17 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, 707। ओके, 17 टू जा 34, 17 थ्री जा 51, 17 फोर जा 68, और 17 फाइव जा 85, ज़्यादा हो रहा है, तो 17 फोर जा 68 माइनस करो, तो 10 में से 8 गया तो 2, और फिर ये 7 नीचे आ गया 27, तो कहाँ पे जाएगा, क्या जाएगा ना, 17 2 जा 34 होता है, तो ज़्यादा हो रहा है, तो 17 1 जा 17। ओके, तो इसको माइनस करोगे तो 0 और 1, अभी इसका चेक करना है, क्या करोगे ना, 17 इंटू 41 प्लस 10। ओके, तो मैं यहाँ पे राफली कर लूँ, मल्टीप्लीकेशन 41 और 17, 7 1 जा 7, 4 7 जा 28, फिर 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 7 8 और 1 9 और 6, तो हो गया आपका क्या आएगा, 6 9 7, इसके साथ 10 को जोड़ो तो कितना आता है आपका, आएगा 7 का 7, 9 और 1 होता है 10, 0 1 कैरी, 6 और 1 7, देखो 707 आया ना, देखो यहाँ पे भी डिविडेंड जो है ये देखो 707, तो आपका ये वाला सही है, सॉल्व सही है। ओके, फिर नेक्स्ट ई हो गया, अभी
ई के बाद हम करते जी, जी वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना? ओके जी है 5287 डिवाइडेड बाय 21। ओके तो 21 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 5287। 21 का टेबल नहीं आता तो आप राफली यहाँ पे 21 की टेबल बना लो। 21 जा 21 होता है, 22 जा होता है 42, फिर 21 3 जा होता है आपका 63। ओके फिर 21 4 जा 84, फिर होता है 21 5 जा 105। मैंने यहाँ तक अभी किए हूँ, अब नेक्स्ट मैं बाद में कर रही हूँ, जब ज़रूरत पड़े तो बनाऊंगी। ओके यहाँ पे 52 है, यहाँ पे देखो 3 में आएगा तो 63 ज़्यादा हो रहा है तो 242 जाएगा तो 242। ओके अब इसको माइनस करो 0 1 और 8 108, तो 5 में होता है 105 और 6 और फिर 21 6 जा कितना होता है 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, ज़्यादा हो रहा है 126 हो रहा है तो आपको 5 लेना पड़ेगा। तो 5 में क्या होगा ना 105। ओके अब इसको माइनस करना है, 8 में से 3 चला गया, 5 चला गया तो 3 आ गया। ओके फिर यहाँ पे 7 नीचे आया 37, 21 2 जा 42 ज़्यादा हो रहा है तो 21 जा 21, तो 7 में से 1 चला गया तो 6 बचा और 3 में से 2 चला गया तो 1 बचा। ओके अभी आपका आंसर चेक करो क्या होगा ना 21 into 251 plus 16। ओके मैं यहाँ पर रफली कर रही हूँ, ये तो आपका टेबल हो गया और फिर मैंने यहाँ पर मल्टीपल कर रही हूँ 251 से हमको करना है 21 से मल्टीपल। 1 1 जा 1, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 5 2 जा ये है 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 5। ओके तो 1 5 2 7 2 5, तो हो गया आपका 5 2 7 1 plus 16। आप इसको जोड़ो यहाँ पे क्या आएगा देखो, 6 और 1 7, 7 और 1 8, फिर 2 और 5 आ गया तो देखो 5 2 8 7। अब आपका डिविडेंड देखो क्या है, डिविडेंड में है 5 2 8 7, तो सेम आ गया ना तो आपका आंसर सही है। ओके फिर आपको करना है एच, एच में देखो क्या है क्वेश्चन क्या है, एच है 8 2 8 9 8 2 8 9 डिवाइडेड बाय 34। ओके 34 से आपको डिवाइड करना है तो यहाँ पे करते हैं 34 आपका है 8 2 8 9, तो 34 का टेबल यहाँ पे बना लूँ, 34 2 जा से शुरू करती हूँ, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। ओके फिर 34 3 जा 3 4 जा 12, 1 3 3 जा 9 और 10, फिर आता है 34 4 जा। ओके 34 4 जा, 4 4 जा 16 और 3 4 जा 12 और 13, फिर आता है 34 5 जा, 5 4 जा 20, 3 5 जा 15 17। ओके तो मैं इतना तक कर रही हूँ, बाकी मैं ज़रूरत पड़ेगा तो करेंगे। 34 यहाँ पे देखो 2 से 68 होता है और 3 से 102 होता है तो ज़्यादा हो रहा है तो 2 से हम करना है तो 68, तो हमने यहाँ पे 68 इसको माइनस करो, 12 में से 8 जाता है तो 4 बचता है, फिर 4 बचता है, फिर हाथ में कैरी यहाँ पे 7 आ गया तो 7 में से 6 चला गया तो 1 हो गया, अभी यहाँ पे 8 आ गया 148। ओके 148 देखो 5 में जाएगा तो 170 हो रहा है तो यहाँ पे 4 लेके जाना पड़ेगा, 4 में क्या है ना 136। ओके अब इसको माइनस करो, माइनस करना है 8 में से 6 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1, अब यहाँ पे 9। अब देखो यहाँ पे 4 पे
136 हो रहा है और 3 पे 102, तो कौन सा जाएगा? ना 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 टाइम्स होता है आपका 102। 9 में से 2 चला गया तो 7 बचता है और 2 का 2। ओके, तो आपका अभी चेक करना है आंसर। क्या करोगे ना, 34 मल्टीपल बाय 243 प्लस 27। ओके, तो मैंने क्या करूँ, इसको मैंने रफली फिर से कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे 34 से ये जो 243 है इसको मैं मल्टीपल कर रही हूँ, 243 और 34। 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9। ओके, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। तो 2 7 और 9 कितना होता है? 16। 1 कैरी ये पे 12, 9 और 2 11 और 1 कैरी 12 और 8, तो आ गया आपका 8 2 6 2। तो मैंने यहाँ पे इज इक्वल देखे 8 2 6 2 प्लस 27। ओके, अभी इसको जोड़ना है, 7 और 2 जोड़ोगे तो 9 आ गया और 6 और 2 जोड़ोगे तो 8 आ गया, फिर 8 और 2। देखो डिविडेंड क्या आया ना, 8 2 8 9। देखो आपको यहाँ पे डिविडेंड है 8 2 8 9। ओके, तो अब आते हैं हम के पे। के में क्या है, 5 2 2 3 8, 5 2 2 3 8 डिवाइडेड बाई 29। ओके, तो 29, 5 2 2 3 8। तो सबसे पहले 29 का टेबल हम बना लेते हैं। 29 2 जा 18, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 5 58। 29 को 3 से, 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 6 और 2 87। फिर 29 4 जा 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11। अभी 29 5 जा, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14। ओके, तो हमने इतना तो किया। अभी यहाँ पे 52 है और यहाँ पे देखो 19 2 जा 58 हो रहा है, तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो 29 1 जा 29। ओके, तो 12 से 9 चला गया तो कितना बचता है? 3। ओके, फिर यहाँ पे मैंने 4 काटा, 4 में से 2 चला गया तो 2, 5 2 2 3 8। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो 5 है, 5 में हो गया, तो ये तो हमने 9 3 12, यहाँ पे 2 ही आएगा, सही है। ओके, काट के मैंने 4 किया, अभी यहाँ पे 2 मैंने नीचे आया, 232। तो यहाँ पे तो बहुत सारा अभी बाकी है, तो आपको क्या करना है, 29 6 जा, 6 9 जा 54, 5 कैरी, फिर 6 2 जा 12 और 5 17। फिर 29 7 जा, 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 2 जा 14 और 6 हो जाता है 20। अभी 29 8 जा, 8 9 जा 72, 7 कैरी, 8 2 जा 16 और 7 क्या होता है, 17 18 19 20 21 22 23 23। ये देखो 23 आ गया ना, तो 8 से आपका ये हो जाएगा 232 हो गया। अभी भी ऊपर देखो 2 नंबर बाकी है, ये 3 नीचे आया लेकिन 3 बहुत छोटा है, तो इसको 0 लगा के फिर 8 को नीचे लेके आया 38। ओके, तो 29 2 जा 58 होता है तो ज़्यादा, तो एक बार 29 1 जा 29, 18 से 9 चला जाता है तो 9 बचता है और फिर ये हो गया। तो आपको अभी चेक करना है, क्या करना है, 29 इंटू
1801+9, ओके। तो आपको इसके साथ मल्टीपल करो, 1801+29 के साथ मल्टीपल करना है, ओके। 9 1 9 9 0 0 8 9 70 2 7 कैरी, फिर 9 1 9 9 के साथ 7 0 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे 16 आया। फिर 2 1 2 2 0 0 8 2 16 1 कैरी 2 1 2 और 3, चलो 9 2 2 2 5, ओके। तो आपका क्या हुआ, 5 2 2 3 2 है और 9 है प्लस 9, ओके। अब इसको जोड़ना है, 9 और 9 18, 1 कैरी, तो 2 और 3 हो गया, फिर 2 आ गया 5, ये देखो 5 2 2 3 8 हो गया आपका, देखो 5 2 2 3 8 सेम, ओके। तो आपका होमवर्क क्या क्या रहेगा, मैंने आपको होमवर्क अभी दे रही हूँ। होमवर्क में रहेगा आपका बी डी, ओके। देखो मैम ने ए काट दिया, बी नहीं किया तो बी आपको करना है, सी मैम ने कर दिया, फिर मैम ने डी नहीं किया तो आपको डी करना है, मैम ने ई कर दिया, फिर आपको एफ करना है, मैम ने एफ नहीं किया, फिर जी मैम ने कर दिया, एच मैम ने कर दिया, आई आपको करना है, जे आपको करना है, के मैम ने कर दिया, एल आपको करना है, ओके। तो ये आपका होमवर्क है, ये जो भी है आप अपना नोटबुक में अच्छे से करोगे, ये जो राफ करोगे ना, राफ करके साइड में करके फिर आप इसको लाइन खींच दोगे, मतलब इसके साथ आपको मिक्स नहीं होना चाहिए राफ वाला वर्क, ओके। तो आपका आज कंप्लीट हुआ 5.4 एक्सरसाइज, ओके। तो ये सारे आप अपना नोटबुक में नीट एंड क्लीन करोगे, ओके। थैंक यू।